संजय राय भवानीपुर का रहने वाला था और संजय राय को लेकर अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है कि उसे फांसी दो। संजय राय का एक बचपन का दोस्त हमारे साथ है जिसकी अब संजय राय से कोई दोस्ती नहीं है, उनका काफी पहले झगड़ा भी हुआ था। बात करते हैं, ये बताओ भाई कि ये संजय राय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या दारू पीने लेने के बाद ना किसी को नहीं पहचानता था, कौन काम कौन माँ है कौन भाई ने, जिसका तिसका साथ कजेरा करता था उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा, मतलब क्या क्या करता था? भाई पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ वैसी छेड़खानी फिरकानी करता, उसके साथ हम लोग बाता बाती नहीं करते थे, आता तो भगा देते थे हम लोग के पास। दारू पीता था रात को कितना, 2:30 बजे दारू पीते पीते बियर लेके आया था तो हम भी 2 घोट पी लिया था बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था छेड़खानी किया, मेरा ए क्या कर रहा, बोला हम पिलाया हम खिलाया थे हम ही को ही कर रहा, तो हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हम क्या बात क्या बोलता था अपने आपको, क्या बताता था, यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप, देखिए भैया हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता, काय उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडाटा। क्या बायोडाटा थोड़ा बताओ ना थोड़ा, अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था, हम पुलिस है ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ हम यहाँ का पुलिस बन गया वो हो गया बोलते रहता था। ये उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का और ये गंदी गंदी वीडियो देखता था। हाँ ये हो सकता भैया। पत्नी जो थी, एक से ज्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है उसका, 4 शादी है, 4-5 तो शादी, 4-5 शादी उसका सभी जानता है। एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। हाँ ये बताइए भाई कि ये जो संजय राय है कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो? कैसा व्यवहार में आदमी था सर? मतलब ऐसे नॉर्मल, जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, वो अपना घर से आता था सिगरेट पीता था चल जाता था। जब वो ड्रिंक कर लेता था उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था, बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको, वो मतलब हरीश मुखर्जी रोड में मतलब एक लेडी है उसका फैमिली, उन लोगों का फैमिली को उन लोगों का फ्लैट से निकाल दिए, ब्याला में रहती थी उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वो उसका बड़ा लड़की साइकेटिस प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो लोग चिल्ला मिल्ली करते थे वो लड़की, तो उन लोगों का फ्लैट से उन लोगों को निकाला दे गया, तो उन लोग पहले पीजी में सो रहे थे, रास्ता में सोते, अभी आपको मिल जाएगा ये अपना सिग्नल से राइट साइड जा रहे हैं, पेट्रोल पंप हरीश मुखर्जी रोड उसके ऑपोजिट साइड में बस स्टैंड है, ठीक है। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या क्या करता? हाँ वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है, उसकी उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका। अच्छा ठीक है, तो वो दबा, वो बोली कि मेरा दबा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था। अच्छा छेड़खानी कर रहा था? जी जी जी, उसको बोल रहा था तुम मेरे साथ बैठो मैं तेरे तुमको ट्रोमा में लेके जाता। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर पॉज एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझ लीजिए घर द्वार था। जी सर। अच्छा तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीज़ों का? यस सर, ये एडिक्शन ही था सर।